सब्सक्राइब करें मिंस रेसिपीज चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंस रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज मैं बनाने जा रही हूं भंडारे वाली आलू की सब्जी। ये बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाते हैं। इन्हें शादी वाली आलू की सब्जी भी कहते हैं और ये पूरी के साथ सर्व किया जाता है। तो इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फीडबैक जरूर हमें दें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 उबले हुए आलू, जिसे मैंने छील के इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ दिया है मैंने। हाथों से ही तोड़ना है और बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस हल्का सा तोड़ दें। 2 टमाटर के प्यूरी लिया मैंने यहाँ पे, 3 चम्मच तेल, 1 हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ता, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा नींबू का रस और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गैस को ऑन करेंगे और पैन को रख देंगे गर्म होने के लिए। तो जब पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पैन अभी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 2.5 चम्मच तेल। ये बहुत ही कम तेल में तैयार होता है और तेल को भी थोड़ा गर्म होने दें। और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने और साथ में डाल देंगे यहाँ पे हरी मिर्च और करी पत्ता और इन सारी चीजों को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से चलाते रहें आप। तो 10 से 12 सेकंड के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है, और ये यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया और गरम मसाला। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाएंगे। अब आंच को तेज करके मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है और साथ में ही हम टमाटर भी डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से इसी में मिक्स हो जाए और अच्छे से भुन जाए। तो इस तरह से टमाटर डाल दिया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर दिख रहा है इसका। यहाँ मैंने प्याज लहसुन का कोई यूज़ नहीं किया है क्योंकि भंडारे में जो सब्जियाँ बनती हैं उसमें प्याज व्याज नहीं बनता। अक्सर पूजा होता है हमारे घर पे तो हम ये सब्जी बनाते हैं। तो इस तरह से अब आलू भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस सब्जी को आप बना सकते हैं, लेकिन नमक की जगह पे आप सेंधा नमक यूज करें और तेल की जगह पे घी यूज करें तो ये और भी अच्छा बनता है। तो इस तरह से आलू भी भुन गया, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी। तो लगभग 1 कप पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप ज़्यादा पतला खाना चाहते हैं या फिर गाढ़ा तो आप उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 1 कप पानी डाल दिया। अब इसे ढक देंगे और नींबू और धनिया को हम बाद में डालेंगे जब सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी तब। तो ये सब्जी को तो इस सब्जी को आप पूड़ी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। कोई घर पर आ गया, सब्जी नहीं बनाना पड़े तो ये फटाफट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से सब्जी बन गई है। थोड़ी देर में इसे और ढक के पकाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी लटपटी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखूंगी। तो 1 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस और धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। ये सब्जी हमारी जो है तैयार हो गई है। अब इसे सर्विंग बाउल या किसी भी कैसरोल में आप निकाल लें। तो इस तरह से था ये भंडारे वाली आलू की सब्जी। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर हमें दें। Thank you for watching.